ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज एंजल सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक अगेन। आज का एक अगेन DIY है जो हम एक प्रॉब्लम को, जो कि बहुत ज़्यादा मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछी जाती है मुझसे, वो है एक्ने की प्रॉब्लम या जिट्स की प्रॉब्लम, कि उसको कैसे हटाया जाए। आज हम एक ऐसा मास्क बनाएंगे घर पर, एक ऐसा फेस पैक बनाएंगे, नॉट मास्क, एक ऐसा फेस पैक बनाएंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक, ऑलमोस्ट 85% तक वन यूसेज में ही चली जाएगी। सो आज का जो पैक है वो क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी और कैसे वो आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर सकता है, हम उसके बारे में जानेंगे। सो या विदाउट एनी फर्दर टू, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ये जान लेते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है नीम पाउडर। अगर आपको ऑर्गेनिक नीम पाउडर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमने ये क्यों लिया है, क्योंकि ये एक्सेलेंट रेमेडी होती है आपकी ऑयली स्किन और एक्ने को ट्रीट करने के लिए। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके एक्ने और एक्ने मार्क से आपको छुटकारा दिलाती हैं। प्लस आपके ये जितने भी ब्रेकआउट्स, एक्ने, पिंपल, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी होते हैं को ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लस आपके एक्सेस ऑयल को और आपके चेहरे से डर्ट को और डीप क्लेंस करके स्किन पोर्स को ये बहुत अच्छे से क्लीन करता है। नीम का बेस्ट जो यूसेज है वो ये है कि अगर आप इसको किसी भी नेचुरल स्किन टोनर के साथ यूज़ करते हैं तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रोज़ वाटर, जो नेचुरल टोनर होता है, हमने उसके साथ इसको मिक्स किया है। सेकेंड जो हमने इंग्रेडिएंट लिया है वो हमने लिया है सैंडलवुड पाउडर। ये अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट है किसी भी स्किन के प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और कामिंग इफेक्ट के साथ आता है। तो अगर आपकी स्किन पे इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह का पिंपल या एक्ने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा काम करेगा, सूद करेगा। प्लस इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि आपकी स्किन को इवन आउट करता है, स्किन टोन को, आपके एक्ने को फाइट करता है, प्लस एट द सेम टाइम आपकी स्किन को ब्लेमिश फ्री बनाता है, यानी कि जो आपकी झाइयाँ वगैरह होती हैं उससे भी आपको प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। अगर आपके फेस पर एक्ने की वजह से डार्क स्पॉट्स हो गए हैं तो भी सैंडलवुड पाउडर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए। तो यहाँ हमने एक टेबलस्पून नीम पाउडर लिया है और एक ही टेबलस्पून हमने चंदन पाउडर यानी सैंडलवुड पाउडर लिया है। और लास्ट में जो हमने लिया है वो लिया है वाइल्ड टर्मरिक। यहाँ पर मैंने लकादोंग टर्मरिक लिया है। ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट हल्दी है आपके एक्ने या स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज को ट्रीट करने के लिए। तो हमने ये थोड़ा सा लिया है, एक चुटकी पर लिया है, क्योंकि ये आपके फेस को ना ही केवल एक्ने से बचाएगा, आपके स्कार्स को ठीक करेगा, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। तो ये आपके जो पोर्स, लार्ज पोर्स होते हैं उनको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपकी स्किन को काम करेगा, आपके स्कारिंग को रिड्यूस करेगा, आपके फेस को बहुत ज़्यादा क्लीन करेगा और आपके फेस के ऊपर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेकर आता है, एक बहुत ही अच्छा सा स्किन के अंदर रिजुविनेशन प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है। तो ये बहुत अच्छा एक क्लियर अप जो ग्लो होता है, क्लीन ग्लो जो होता है वो लेकर आता है। तो हमने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर मिक्स किया है। ये बहुत अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें और जब आपको इसको यूज़ करना है तो पहले तो ये आप एक ड्राई कंटेनर में इसको बनाकर रख लीजिए। बना के रखने के बाद इसको एवरी वीक आप कम से कम 2 to 3 nights आप इसको लगा कर ज़रूर देखें और एक हफ्ता इसको यूज़ करके देखें। जब आप इसको लगाने लगें तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रोज़ वाटर का एक चम्मच रोज़ वाटर इसमें डालना है। 1 tablespoon ऑफ रोज़ वाटर यू नीड टू ऐड इन टू दिस, मिक्स इट एंड देन अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस एंड देन लीव इट फॉर 20 minutes। 20 minutes के लिए अपने फेस पर लगा के इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसको वॉश ऑफ कर लीजिए। आप एक यूसेज में देखिए ये रिजल्ट है फाइनल एंड कितना ग्लो आ गया है फेस पे। यू नीड टू ट्राई दिस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट मास्क, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट फेस पैक फॉर एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन। यू विल लव द रिजल्ट्स।
सो ये था आज का DIY फॉर ओनली वन प्रॉब्लम विच इज एक्ने. अगर आपको बार बार सीबम प्रोड्यूस होता है या बार बार आपका जो ऑयल सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन जो है उसके पोर्स क्लॉग्ड हैं और आपके एक्ने बार बार डेवलप होते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये एक फेस पैक है जो कि आप डेफिनेटली घर पर ट्राई ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला. आई वुड बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक. एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी कि खाने की जो आपकी डाइट है प्लीज़ उसमें ज़रूर अपने चेंजेस करिए, क्योंकि ऊपर से जो आप कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इंटरनल चेंजेस भी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी मिलेंगे. प्लस एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप ऐसा कोई भी पैक या मास्क अपने फेस पर लगा रहे हैं, स्पेशली अगर आप पैक लगा रहे हैं, तो उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बिल्कुल ना भूलें. चाहे आपके पास कुछ नहीं है तो एलोवेरा लगा लीजिए रात में, लेकिन प्लीज़ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए. ये चीज़ आपको रात में करने में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, इसके रिजल्ट्स आपको रात में ज़्यादा अच्छे मिलेंगे. मॉर्निंग तक आपका फेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिप्लेनिश्ड हो जाएगा. तो इसको ट्राई ज़रूर करिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताइए. सो येस, दिस वॉज इट, दिस वॉज टुडेज वीडियो. इन केस इफ यू लाइक टुडेज वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट थम्स अप. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई कम अप विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ DIYs एंड लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट रिव्यू. सो यू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. आई बी मीटिंग यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट फॉरगेट यू आर ब्यूटीफुल. स्टे ब्यूटीफुल एंड बी ब्यूटीफुल. गॉड ब्लेस यू. बाय.